तो प्रेमी सजनों, बाबा मोहन राम को बड़े मन से मनाते हैं तो सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। और सजनों बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की बंसी की धुन को सुन करके गोपिकाएं मधुमस्त हो जाती है, मनमगन हो जाती हैं और कन्हैया की मुरली की तान पे अपने काम को छोड़ करके चल देती हैं, जो जैसा कर रही थी उसमें भी उल्टा सीधा कर बैठती हैं। कवि ने एक भजन के माध्यम से कल्पना करी और क्या लिखा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। अरे बंसी ये बाज रही मधुबन में मेरे भनक पड़ी कानन में, बंसी बाज रही मधुबन में मेरे भनक पड़ी कानन में, ओ बंसी बाज रही मधुबन में अरे मेरे भनक पड़ी कानन में, ओ बंसी बाज रही मधुबन में मेरे भनक पड़ी कानन में, भनक पड़ी कानन में मेरे भनक पड़ी कानन में, बंसी बाज रही मधुबन में मेरे भनक पड़ी कानन में, ओ बंसी बाज रही मधुबन में मेरे भनक पड़ी कानन में।
प्रभु गिर।